आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी में ये समझ लो भाई बाप और बेटे का कंपटीशन चला हुआ है। और कंपटीशन ये है कि जिस लड़की के साथ बाप का अफेयर चल रहा है उसी लड़की के साथ बेटे का अफेयर चला हुआ है। तो दोस्तों इस मूवी में आगे चल के दोनों क्या भसड़ मचाते हैं ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए आए हो, बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता पड़े कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग साइमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो प्रोजेक्ट ये था कि ये दोनों एक कार्टून आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि साइमन अपनी फैमिली से अलग रहता था क्योंकि इसकी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स थे और साइमन अकेला आर्टिस्ट था और उसकी अपनी फैमिली के साथ बनती नहीं थी। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि साइमन के घर पे पार्टी थी और साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पार्टी इस उपलक्ष्य में थी कि साइमन के जो डैड थे उनका 68th बर्थडे था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइमन अपने डैड को एक दूसरी लड़की के साथ एक रूम में देखता है। साइमन ये चीज़ें देखकर अपने एक अंकल से पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो साइमन के अंकल उन्हें बताते हैं कि वो तुम्हारे डैड की एक सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी कम वो तुम्हारे डैड की पेशेंट थी तो तुम्हारे डैड ने उसे अपनी सेक्रेटरी ही बना लिया और उस लड़की का नाम सोनजा है। हमें दोस्तों यहाँ पर पता पड़ता है कि जो साइमन के डैड होते हैं वो अपने पेशेंट को ही अपनी सेक्रेटरी बना लेते और उसके साथ अफेयर भी करते थे। हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि जो साइमन की मॉम थी वो कुछ नाराज़ थी तो साइमन उनसे रीज़न पूछता है तो वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे डैड सोनजा के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हैं और मैं इस ट्रिप पर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे डैड का क्लिनिक भी संभालना है। तो यहाँ पर साइमन उससे कहता है कि क्लिनिक मैं संभाल लूँगा, आप डैड के साथ ट्रिप पर जाइए। तो साइमन का एक काम और था कि उसे सोनजा को रोकना था अपने डैड के साथ ट्रिप पर जाने के लिए और वो चाहता था कि उसकी मॉम जाए ट्रिप पर। तो साइमन अपनी मॉम की बात को सुन लेता है और अपने डैड का क्लिनिक संभाल लेता है और ट्रिप पर यहाँ पर साइमन उसके साइमन के फादर और उसकी मॉम चले जाते हैं और सोनजा वहीं पर ही रह जाती है साइमन के साथ। गाइज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सोनजा थी पहले उसका मूड बन रहा था साइमन के डैड के साथ ट्रिप पे जाने का, पर यहाँ पर साइमन की वजह से उसकी मॉम चली गई थी और वो यहीं पर रह गई थी। हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि साइमन के डैड एक साइकेट्रिस्ट थे और यहाँ पर क्लिनिक में साइमन को और सोनजा को जो काम दिया गया था वो काम ये था कि साइमन के डैड की जो भी वीडियोज लेक्चर्स है उनको रिटन फॉर्म में करना। अब साइमन को ये काम थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो वो सोनजा के पास जाता है और उससे सारी बातें पूछता है कि तुम कौन हो, क्या हो और पूरी बायोग्राफी उसकी लेता है। तो सोनजा उसे बताती है कि मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड हूँ पर मैं ऐसा नहीं कहती, तुम्हारे डैड मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं और हमारा कुछ महीनों से अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर साइमन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि सोनजा रोने लगती है तो साइमन उसे सिंपैथी देने के लिए उसके पास जाता है पर सोनजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और साइमन के साथ किस कर लेती है। अब किस करने के बाद हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि इन लोगों को ये मूवमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है तो ये लोग फिर से अलग हो जाते हैं। अब उसी रात को हम लोग साइमन को देखते हैं जो ये सोचता है कि उसकी मॉम ने उसे क्या काम दिया था और वो क्या कर रहा है। उसकी मॉम ने उसे कहा था कि तुम्हें क्लिनिक पर रह के काम देखना है पर वो तो यहाँ पर कुछ और ही काम देख रहा था। अगले दिन हम लोग साइमन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और गर्लफ्रेंड तो कहती है कि कल हमारा वो एक कंपटीशन है, आर्ट कंपटीशन। और साइमन कहता है कि अरे यार ये क्या हो गया क्योंकि कल मेरा आर्ट कंपटीशन है और मैं क्लिनिक के चक्कर में लगा पड़ा हूँ। इसके बाद हम लोग साइमन को देखते हैं जो क्लिनिक में सोनजा के पास जाता है उससे सब सॉरी बोलने के लिए जो हमारे बीच में कल हुआ। तो सोनजा कहती है कि इट्स ओके, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानती। ये बात सुनकर साइमन को भी अच्छा लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो साइमन है उसे ये तो पता था कि जो सोनजा है वो उसके डैड की पेशेंट है तो वो यहाँ पर सोनजा की फाइल लेने के लिए जाता है ताकि वो उसके जो केस है उसे स्टडी कर सके और उसे सोनजा के बारे में और सब चीज़ें अच्छी तरह से पता पड़ने लगे। तो यहाँ पर साइमन सोनजा की फाइल निकालता है और पढ़ता है पर यहाँ पर सोनजा को पता पड़ जाता है कि साइमन ने उसकी फाइल को पढ़ा है तो वो यहाँ पर नाराज़ हो जाते हैं और साइमन से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये सब चीज़ इलीगल है और मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोनजा को जो कि रोने लगती है। हम देखते हैं साइमन को यहाँ पे ये पता पड़ता है कि जो सोनजा वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट की एक मरीज थी जिसको उसके डैड ने ठीक करा था। हम लोग देखते हैं ये लोग अब इसके बाद सीन में आपस में इंटीमेट होते हैं और डायरेक्ट बिना रुके यहाँ पर जो हम देखते हैं सोनजा को जो कि डायरेक्ट ही रूम में चली जाती है किस करने के बाद और इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं था और ये लोग इतना ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में हम लोग देखते हैं सोनजा को जो कि साइमन को लेकर जा रही थी और अपने घर जा रही थी वो वैसे उसके साइमन को रास्ते में उतार दिया था। वो साइमन से कहते कि तुम कभी भी मेरे घर पर आ सकते हो। साइमन उसे किस करके निकल जाता है साइकिल लेके। हम देखते हैं कि उसे कैफे में उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है एक दूसरे लड़के के साथ बैठी हुई। उसे देखकर साइमन कहता है कि तुम ये किसके साथ बैठे हो तो वो उसे कहते ही है
कि तुम तो अपने क्लिनिक के काम में लगे हुए हो, तो मुझे अपना आर्ट कंपटीशन पूरा करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। साइमन को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे। अब हम लोग उसी राइड नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था एक पार्टी में और ये लोग आपस में किस भी करते हैं और फिर इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को सोनजा के बारे में बताता है तो सोनजा वहाँ से रोके उठ के आ जाती है। तो अभी यहाँ पर साइमन को एक मैसेज आता है कि सोनजा का मैसेज होता है, वो उससे कहते हैं कि यार सैटरडे नाइट है और तुम मेरे घर पे आ सकते हो। हम लोग देखते हैं साइमन सोनजा के घर पे जाता है, ये लोग किस करते हैं, उसके बाद इंटीमेट भी होते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनकी जो नाइट थी वो बहुत अच्छी बीती थी। अगले दिन हम साइमन को देखते हैं जो सो के उठता है, उसे एक लेटर मिलता है कि सोनजा बाहर सामान लेने गई है। तभी वहाँ पर साइमन के डैड आ जाते हैं जो कि साइमन को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साइमन भी उनसे देख के हैरान हो जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि ये मेरा फ्लैट है और मैं यहाँ पर अपनी बुक लेने आया हूँ। तभी हम सोनजा को देखते हैं जो कि उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर देती है। किस करने का कारण ये था कि वो साइमन के डैड को जलाना चाहती थी, पर साइमन के डैड यहाँ पर इनकी बातों से बिल्कुल एग्री करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी रिलेशनशिप से कोई भी दिक्कत नहीं है। बस वो साइमन से कहते हैं कि बस तुम अपनी मॉम को संभाल लेना। अब साइमन अपनी मॉम के पास जाता है और देखता है कि उसकी मॉम उसे देख के रोने लगती है क्योंकि उनका जो बेटा था उन्हें भी अपने बेटे की करतूतों के बारे में पता पड़ जाता है। पर वो भी अब क्या कह सकती थी, अपने बेटे की खुशी के लिए वो उस बात को भी मान लेती है। वही जब हम लोग देखते हैं कुछ महीनों बाद सोनजा पे एक बेबी हो गया है और वो बेबी पता नहीं किसका था। यहाँ पर अब उसकी एक फैमिली बन गई थी प्रॉपर, उसका एक डैड भी था और उसका एक बच्चा भी हो गया था, अब उसकी एक प्रॉपर फैमिली थी। अब यहाँ पर सोनजा अपने बेबी को साइमन के हाथ में पकड़ा देती है और कुछ इसी तरह से मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।